तुला राशि वालों, 1 सितंबर रविवार का दिन आज अश्लेषा नक्षत्र में परिग योग में बुध के प्रभाव से दिन आरंभ होगा। बुध आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर चंद्रमा के साथ विराजमान है। सौभाग्य सुख धन लेकर बुध चंद्रमा के साथ आपकी कुंडली पर बहुत ही प्रभावशाली होकर इस समय गोचर कर रहा है। भाग्य आपका अच्छा है क्योंकि बुध आपके भाग्य का स्वामी है। अश्लेषा नक्षत्र में बुध आपके भाग्य सौभाग्य को जगाता है, बड़ी सफलता देता है, लाभकारी योग बनाता है, जीवन में बड़े बदलाव और मनचाहा परिणाम की प्राप्ति होती है। चंद्रमा जो आपके कर्म का स्वामी है उच्च का होकर आपकी कुंडली पर आज गोचर कर रहा है। रात 9:49 पर चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर सूर्य के साथ गोचर करेगा। सूर्य के साथ जब चंद्रमा का गोचर होगा, अपने कार्य से जीवन में बेहतर अवसर का लाभ उठाकर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। काफी प्रभावशाली दिन है, भाग्यशाली योग है। आज अश्लेषा नक्षत्र का बुध और रात 9:49 पर मघा नक्षत्र का केतु अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहा है। केतु का प्रभाव, बुध का प्रभाव, साथ में केतु के साथ शुक्र की युक्ति, आपके व्यापार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। दिन काफी लाभकारी है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। चतुराई से, बुद्धिमानी से काम करके कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की, लाभ और सुख की प्राप्ति करेंगे। जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती है। समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है, जो तरक्की भी देगा, आपकी प्रतिभा आपको प्रभावशाली बनाएगा। दिन काफी लाभकारी है, किस्मत आपकी चमकने वाली है, लाभकारी दिन है। आज आपका गुड लक के गुड न्यूज भी देगा, खुशी भी देगा, बड़े बदलाव भी करेगा, धन संपत्ति से परिपूर्ण भी बनाएगा। क्योंकि मंगल का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर बहुत ही मजबूत होकर गोचर कर रहा है। मंगल जो आपके धन भाव का स्वामी है, भाग्य स्थान पर बैठा है। अपने भाग्य से आप धन कमाएंगे। आपकी कुंडली पर आज प्रभावशाली योग बन रहा है जो आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। अपनी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाकर जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति करेंगे। आज का दिन बड़ा प्रभावशाली दिन है जो आपकी परिस्थिति को बदलेगा, जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा, धन संपत्ति से आप परिपूर्ण रहेंगे। क्योंकि आज बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु और शुक्र पर है, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर है और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सुख स्थान पर है। वहीं शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर गोचर कर रहा है और राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर हो रहा है। आज सूर्य का राशि परिवर्तन के साथ साथ सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। सूर्य पूर्वा फागुनी नक्षत्र में अब शुक्र से प्रभावित होकर आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर गोचर कर रहा है, जबकि चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में बुध से प्रभावित है। मंगल और बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है और बृहस्पति भी मंगल से प्रभावित है, जबकि शुक्र उत्तरा फागुनी नक्षत्र में सूर्य से प्रभावित है और शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव से आज प्रभावित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि से प्रभावित है और केतु हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव से आज प्रभावित है। काफी लाभकारी और प्रभावशाली दिन है आपके लिए। तरक्की, सौभाग्य, सुख, धन संपत्ति को बढ़ाने वाला आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है। आपके लिए दिन बड़ा लाभकारी है जो आपके सपनों को साकार करेगा, जो आपके जीवन में मनचाहा लाभ और तरक्की का योग बनाएगा, काफी प्रभावशाली आपको बनाएगा। दिन आपके लिए उत्साहजनक है, अच्छी संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रही है। अवसर का लाभ उठाकर नौकरी व्यापार के क्षेत्र में आप काफी तरक्की करेंगे। काफी लाभकारी योग है, भाग्यशाली दिन है क्योंकि बुध का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए काफी लाभ और आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी सफलता सुख लेकर आया है। सौभाग्य और खुशी आपके जीवन में बढ़ेगा
क्योंकि आज दिन काफी लाभकारी है, जो खुशियों को बढ़ाएगा, सौभाग्य की वृद्धि करेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा, जिसके प्रभाव से जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएगी। काफी लाभकारी योग है, अच्छे अवसर मिलेंगे, धन संपत्ति में वृद्धि, सुख सुविधा, आपकी जीवन में तरक्की उन्नति, भाग्य धन से बड़े प्रभावशाली होंगे। आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी, कोई शुभ काम, लाभ के अवसर मिलेंगे। दिन आपके लिए काफी लाभकारी और प्रभावशाली है। स्टूडेंट के लिए तो दिन बड़ा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली पर ऐसा योग है जो नई नौकरी देगा, नए काम की शुरुआत करेगा, बड़ी सफलता, मनचाहा लाभ, आपके कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अपार सफलता और बड़ी उपलब्धि से आज आपके मन में खुशी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रभावशाली दिन है, भाग्यशाली योग है। आपके लिए सफलता, कामयाबी, सुख सौभाग्य को बढ़ाने का काम करेगा, ज़्यादा धन कमाएंगे। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, बड़ा प्रभावशाली होगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का बुध और मघा नक्षत्र का केतु चंद्रमा का बुध के साथ गोचर करना और उत्तर दिशा की तरफ आपका भाग्य चमकना, उत्तर दिशा की तरफ बड़े प्रस्ताव आपको मिलेंगे, खास समय आपके जीवन में कामयाबी, सफलता की खुशी देगा, हर कार्य आपके सफल हो जाएंगे। काफी प्रभावशाली आज का दिन है, जो आपकी स्थिति को बदलेगा। वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहेगा, धन संपत्ति से आप परिपूर्ण होंगे, अचानक सफलता लाभ मिलेगा, कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान बढ़ेंगे और अपनी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभाएंगे। काफी लाभ सौभाग्य का योग है। ये समय राहु जो बुध के साथ नवम पंचम योग बना रहा है, आपके लिए काफी सफलता सुख लेकर आया है। जब बृहस्पति सूर्य को प्रभावित करेगा, उस समय चंद्रमा सूर्य के साथ गोचर करते हुए बृहस्पति के साथ चतुर्दशम योग बनाएगा, जिससे आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी व्यापार की स्थिति बेहतर होगी, मेहनत से अपने जीवन को आप और भी ज्यादा सफल बनाएंगे। काफी प्रभावशाली दिन है, काफी भाग्यशाली योग है। आज आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, लक्की नंबर 7 होगा। वहीं राहु काल 5:07 से 6:42 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। अमृत काल रात 8:04 से 9:49 आपके लिए सुख प्रदान करेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, भाग्यशाली होंगे। आज दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें, अपने काम से काम रखें, गृहस्थ जीवन का आनंद भी लेंगे और मेहनत से किया गया हर काम आपके सफल होंगे। आज जीवन की बाधा परेशानी दूर होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, लव लाइफ में खुशी सुख देखने को मिलेगा। दिन काफी लाभकारी और प्रभावशाली है, जो सफलता भी देगा, कामयाबी, सुख, सौभाग्य को बढ़ाएगा, मान सम्मान देगा और तुला राशि के जीवन में अपार सफलता का योग बनाएगा। दिन काफी प्रभावशाली है, क्योंकि आज आपकी कुंडली पर भाग्य का स्वामी बुध और केतु का प्रभाव है। शुक्र के साथ केतु इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठकर आपके लिए गुड लक लेकर आया है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, जिसके प्रभाव से तो तुला राशि वालों आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। दिन आपके लिए काफी प्रभावशाली है, आप मेहनत से काम करते जाएं, सुख संपत्ति और मान सम्मान, आपके जीवन में बहुत तरक्की और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों 1 सितंबर रविवार का दिन भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी
चतुर्दशी तिथि परिग योग 5:50 तक, उसके बाद शिव योग आरंभ होगा। अश्लेषा नक्षत्र बुध का प्रभाव 9:49 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र में केतु का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा आज बुध के साथ आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर गोचर कर रहा है। 9:49 के बाद चंद्रमा सूर्य के साथ आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर गोचर करेगा। प्रभावशाली दिन है, भाग्यशाली योग है, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। आपकी कुंडली के पंचम भाव पर शनि का गोचर है, छठे भाव पर राहु, अष्टम भाव पर बृहस्पति, भाग्य स्थान पर मंगल, कर्म भाव पर बुध चंद्रमा, लाभ स्थान पर सूर्य और द्वादश में केतु शुक्र का गोचर हो रहा है। आज सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, मघा नक्षत्र से पूर्वा फागुनी नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना, शुक्र के प्रभाव से सूर्य प्रभावित है। वही मंगल मृगशिरा नक्षत्र में और बृहस्पति भी मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के प्रभाव से आज प्रभावित है। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति से प्रभावित है, तो शुक्र उत्तरा फागुनी नक्षत्र में सूर्य से प्रभावित है, राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि से प्रभावित है। दिन आपके लिए प्रभावशाली है, क्योंकि आज बुध का प्रभाव केतु के प्रभाव से आपके लिए सफलता, कामयाबी, अच्छा धन का लाभ, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाकर मान सम्मान और शुभ समाचार की प्राप्ति करेंगे। आज कोई बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। दिन आपके लिए बड़ा प्रभावशाली है, जो धन को बढ़ाएगा, आपके जीवन में खुशी सुख देगा, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, गृहस्थ जीवन का सुख बढ़ेगा, भाग्य के आप धनी होंगे। आज दिन आपके लिए काफी प्रभावशाली है। मेहनत से काम करके अपने जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धि और सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। दिन आपके लिए भाग्य का साथ है और आपके जीवन में कामयाबी, सफलता का योग बनाएगा। तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाना और अपने जीवन में बेहतर परिणाम, सुख की प्राप्ति करना दिन आपको उत्साहित करेगा। आपके लिए आज दिन काफी लाभकारी और प्रभावशाली होगा। तो तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सौभाग्य को बढ़ाने वाला, सफलता, सुख, संपत्ति देने वाला लाभकारी दिन है। उत्तर दिशा की तरफ आपका भाग्योदय होगा। उत्तर दिशा की तरफ जो कार्य करेंगे वो कार्य आपके सफल होंगे। राहु काल 5:07 से 6:42 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, लक्की नंबर 7 होगा। अमृत काल 8:04 से 9:49 काफी प्रभावशाली होगा, जबकि विजय मुहूर्त 2:28 से 3:19 का समय सफलता भरा होगा। और अभिजीत मुहूर्त 11:55 के बाद आपको खुशी और खुशखबरी की प्राप्ति होगी। ब्रह्म मुहूर्त 4:29 से दिन आरंभ होगा। तो दिन आपके लिए काफी लाभ, सुख, सौभाग्य लेकर आया है। आज का दिन बहुत लकी साबित होने वाला है। सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी, भाग्य आपके चमकेंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।